I'm so sorry to. We've got Mr. Taj Haider online, who is with the PPP. We have a PPP government now, a majority government in the federal capital. Assalamualaikum, Taj Haider sahab. Assalamualaikum. Thank you so much for joining us today. Hamari guftagu ho rahi hai aaj Baltistan, Gilgit ke ilaqe pe, Kashmir policy pe. Ab hamare saath maujood hai hamare studios mein janab Nawaz Khan Naji sahab, jo ke founder hain of Balwaristan ke. Inhone hamein bahut iski history batai. Aap ye bataiye ke this is the new name which they have conceived for us, the state of Baltistan and Gilgit. जिसमें चित्राल वगैरह सब कुछ आ जाता है. आप ये बताइए, वहाँ पे हमेशा से पीपीपी की अक्सरियत रही है और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी बिफोर हर ट्रैजिक असैसिनेशन शी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट यू नो इस एरिया में बहुत सी यू नो जो चीजें हैव बीन ओवरलुक्ड एंड नॉट राइट्स नॉट व्हिच हैव नॉट बीन गिवन टू देम. तो असेंबली की भी उन्होंने बात की थी मेरे ख्याल में. आप किस तरह ये देख रहे हैं नाउ विथ योर गवर्नमेंट बीइंग द रूलिंग पार्टी? देखिए, चित्राल है सुबह सरहद में. चित्राल शुमाली इलाकों का हिस्सा नहीं है. इसी बात पे गुफ्तगु हो रही है ताज साहब. वो नहीं मानते हैं कि ये सुबह सरहद का इलाका है. देखिए, जोग्राफियाई तौर पे, आइन के तौर पे वादी चित्राल इस वक्त सुबह सरहद में है. अगर मेरी इत्तलात गलत नहीं है, वहाँ से बेगम नुसरत भुट्टो इलेक्शन भी लड़ चुकी है. ठीक है. अच्छा, ये नॉर्दर्न एरियाज जो है, यहाँ पे पूरी जद्दोजहद आजादी यहाँ पे शुरू हुई. गिलगित के अंदर ब्रिगेडियर गंसारा सिंह डोगरा राज के वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे. वहाँ के लोग जो थे वो उठे, उन्होंने वहाँ पे डोगरा राज के खिलाफ जंग आजादी लड़ी. मेरे ख्याल से कर्नल हुसैन थे, सॉरी कर्नल मिर्जा हसन जो कि कमांडर इन चीफ थे अफवाज आजादी के. ठीक. और उन्होंने गिलगित को आजाद कराया और आजाद जमहूरिया गिलगित उन्होंने ऐलान किया. साथ ही साथ अब्बास एक उनके थे साथी, वो पैदल चल के आए थे पिंडी और उन्होंने मोहम्मद अली जिना कायद आजम को खत लिखा था कि हम आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं. तो आजाद जमहूरिया गिलगित कायम रही 17-18 दिन और उसके बाद मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ ताज साहब. ये सारी उन्होंने हमें काफी हद तक हिस्ट्री बताई. व्हाट माय व्यूअर्स वुड लाइक टू नो इज दैट इस इलाके को दे फील दे आर डिप्राइव्ड बिकॉज पाकिस्तान 1947 के बाद पाकिस्तान नेवर ओपनली डिक्लेयर्ड them a part of Pakistan in its constitution, in any of its constitutions. They are a part of Pakistan. They have always been a part of Pakistan. Northern areas, उनको कहा गया, जहाँ पे आपने तलवार मारी मेरी बात पे खत्म किया ऐसे. वही मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेजा हुकूमत पाकिस्तान ने और आजाद जमहूरिया गिलगित खत्म करके इन पार्ट्स को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया. तो ये तारीखी हकीकत है और हुकूमत पाकिस्तान का एक मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा, आपने नोटिस नहीं लिया, नहीं तो मैं इसकी तैयारी कर लेता. लेकिन वो यहाँ से एक साथ गए और उन्होंने टेक ओवर किया एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से वहाँ पे. उसके बाद कोई तहसीलदार थे जो आप बता रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं बताया. इसे सरदार सरदार खान आलम साहब, अपेरेंटली सरदार खान आलम साहब, सरदार आलम साहब जो तहसीलदार थे अकॉर्डिंग टू नवाज साहब वहाँ गए थे और उन्होंने उसको टेक ओवर किया. उसके बाद फिर इस इलाके पे खुसूसी तवज्जो दी गई और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मंसूबा है शाहराह रेशम का, वो यहाँ पे शुरू किया गया चीन के ताउन के साथ. शाहराह रेशम पे मैंने फिल्म भी बनाई है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए. ठीक है. अच्छा, अब ये है कि ये तमाम चीजें थी लेकिन जो सूबे का दर्जा था और सूबाई असेंबली बाकायदा मुंतखब, वो यहाँ पे नहीं होती थी. इसलिए कि बहुत सी हुकूमतों का ख्याल ये रहा कि प्लेबिसाइट होने की सूरत में यहाँ के वोट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे. हरचंद कि ये जरूरी नहीं था. जो मकबूजा कश्मीर था उसके अंदर से भी अगर प्लेबिसाइट होता तो पाकिस्तान ही जीतता. मैं ये आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ ताज साहब, इनका कहना ये है नवाज साहब का कि दे हैव फेल्ट डिप्राइव्ड बिकॉज हमारी जो कश्मीर
policy rahi hai. We have been openly, you know, like been very supportive of the Kashmir policy, chahe wo azad Kashmir ki ho. Lekin ye kehte hain ki inke ilaqe pe, I think apart from Zulfiqar Ali Bhutto sahab, who during his government, ek hafte ghaliban unhone ja ke ye is ilaqe mein wo Baltistan ke area mein wo rahe the, uske baad to koi hukumat se koi nahi rahe the. Aur bahut badi tragedy hui thi, itna bada zalzala aaya tha. Ji ji. Aur mujhe mauka mila tha Bhutto jab wapas aaye the yahan Karachi mein aaye, aur us raat ko meri khushkismati thi ke unse meri mulaqat hui aur unhone jo alfaz mujhse kahe, unhone ye kaha ke main tum logon ko agar na dekhta तो मैंने आज इतनी तबाही देखी है कि मैं मर जाता. यानी दिस इज हाउ मैं बुट्टो वाज सो डीपली जी जी. तो आप मुझे आप बताइए कि बिकॉज वी सी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड वॉलेटाइल बिकॉज दे आर नॉट मिलिटेंट्स, दे आर वेरी पीस लविंग पीपल. हमने देखा है जो कराची में भी इनके इलाके से लोग आते हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल पीपल होते हैं, हार्ड वर्किंग. लेकिन इनकी जो फीलिंग ऑफ डिप्रिविएशन है, इनकी जो मैंने वो जगह नहीं देखी कि जहाँ के लोग खराब हो. नहीं, वो आप बाकी जगह भी दो मिनट छोड़ दें ताज साहब, लेट्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बल्तिस्तान. उनकी हुकूमत जो कुछ भी चाहे करे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट बल्तिस्तान नाउ. आप मुझे ये बताइए कि आप, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आगे किस तरह इनके मसाइल हल होंगे. वी डू नॉट वॉन्ट अनदर यू नो सिचुएशन अराइजिंग देयर. कि एक जो टैक्स देने वाले का राइट होता है, वो टैक्स देने वाले का ये राइट होता है कि अपने नुमाइंदे मुंतखब करे. बीबी शहीद ने यहाँ पे पहली दफा काउंसिल बनाई और इनको ये हक मिला कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करें और खुद अपने इलाके पे अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करें. ओके, मिस्टर अली नवाज, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट मेरी नॉलेज इज मच मच लेस. अली नवाज साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं. जी बोलिए. नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, पहले मेरी सुन. अच्छा, आप कह दें. अब ये है कि जो उनका एक मुतालबा है कि सूबे की हैसियत दी जाए. जी हाँ. अच्छा, उसको हम जायज मुतालबा समझते हैं. उसमें जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि आईने पाकिस्तान में सूबे दिए हुए कि ये हमारे सूबे हैं, और उसके अंदर गुंजाइश ये रखी गई है कि और दूसरे इलाके के जो बाकायदा तौर पे शामिल होने चाहिए. अच्छा, अब उसमें आपको एक पांचवा सूबा देने के लिए आईन में तरमीम लानी पड़ेगी, और कभी हमारी ये इतनी अक्सरियत नहीं हुई कि हम आईन में तरमीम लाएं. बहरहाल, जो भी इसमें फैसला होगा वो इनकी मुंतखब काउंसिल वहां मौजूद है कि जो कि बीबी शहीद ने बनाई है, उस मुंतखब काउंसिल के जो भी फैसले होते हैं उनसे बड़े क्लोज कंसल्टेशन के साथ जो है वो आइंदा के बारे में. ओके, आई थिंक नाउ वी मस्ट लिसन टू हिम. या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी जी जी. अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जिंदगी भर जो है जर्नलों को और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की मुखालफत, इवन दिन गाली